हेलो एवरीवन, दिस इज योर फैकल्टी फॉर सीए इंटर लॉ एंड ऑडिट कुणाल मंधानिया एंड सर वी वे आर डीलिंग विद ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर, जिसको लॉ में नाम दिया गया है ऑडिट एंड ऑडिटर्स एंड जिसको ऑडिट में नाम दिया हुआ है कंपनी ऑडिट। सर बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं? बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग डील कर रहे हैं कि अगर आप कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करोगे तो व्हाट आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, कौन क्वालिफाइड है, कौन डिस्क्वालिफाइड है, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रोटेशन, रेजिग्नेशन, इन सब के सारे रूल्स इस चैप्टर में दिए हुए हैं। बेसिकली क्लास, दिस चैप्टर करस्पॉन्ड टू चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड उसी एक्ट के और उसी रूल्स के सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर के पार्ट में हमने डील किया था क्वालिफिकेशन and disqualification. इस लेक्चर में क्लास विल बी डीलिंग विद अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रोटेशन एंड रेजिग्नेशन। ओके, चलो क्लास तो शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं ऑडिट कमिटी। देयर आर टू रीजंस फॉर दैट। नंबर वन, आगे जाके कई जगह पे ऑडिट कमिटी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कई जगह से करस्पॉन्डेंस है ऑडिट कमिटी का। नंबर टू, इसलिए भी हम ऑडिट कमिटी डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज पास्ट एग्जाम्स में, ठीक है, ऑडिट में कई बार ऑडिट कमिटी पे क्वेश्चन आ चुका है। ओके, सो सर ऑडिट कमिटी पे डील करता है सेक्शन 177 ऑफ कंपनीज एक्ट। बेसिकली किसी भी कंपनी में ये कमिटी टेक्स केयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस कमिटी टेक्स केयर ऑफ ऑडिटर्स, चाहे वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, इंटरनल ऑडिटर हो, ठीक है, या कॉस्ट ऑडिटर हो, एंड उनसे रिलेवेंट जो भी, ठीक है, मॉनिटरिंग करना है वो कंपनी में ऑडिट कमिटी करती है। ओके, तो डिटेल में पढ़ते हैं अबाउट सेक्शन 177 ऑडिट कमिटी। अगर मैं बात करूं सर कि ऑडिट कमिटी कौन से कंपनी पे एप्लीकेबल है, सो फर्स्ट पॉइंट, अगर लिस्टेड कंपनी है तो वहां पे ऑडिट कमिटी बनाना कंपलसरी है। ओके, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो इन तीन में से कोई तो भी एक कंडीशन एटलीस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, यानी प्रीसीडिंग ईयर में, तब जाके इस साल आपको ऑडिट कमिटी बनाना कंपलसरी है। ओके, सो कंडीशंस क्या है? ऐसी कंपनी जिसका पेडअप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, ऐसी कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या ऐसी कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन, बोरोइंग्स, डिबेंचर, डिपॉजिट्स सब मिला के इन एग्रीगेट 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। क्लास याद रखना, लिस्टेड कंपनी अगर क्वेश्चन में दिया हो, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है कि कौन से कंपनी को ऑडिट कमिटी बनाना कंपलसरी है। तो अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी दिया हो तो दिमाग मत लगाना, सीधा लिख लेना कि हाँ भाई यहाँ पे ऑडिट कमिटी बनाना कंपलसरी है। अगर अदर कंपनीज है तो अदर कंपनी के केस में, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो ये तीन कंडीशन दी हुई है, तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है प्रीसीडिंग ईयर में तो इस साल आपको ऑडिट कमेटी बनाना कंपलसरी है। ओके, सो लिमिट कितनी दी हुई है सर? पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या आउटस्टैंडिंग लोन्स, बोरोइंग्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, यानी बेसिकली बोरोइंग्स सब मिला के 50 करोड़ या उससे ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। ऑडिट कमिटी शुड हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। एमसीक्यू के लिए काम आ सकता है कि ऑडिट कमिटी में कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए, तो रूल इज ऑडिट कमिटी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। ये पॉइंट याद रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि देयर इज अ रूल कि ऑडिट कमिटी में मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो यू कैन अंडरस्टैंड क्लास इस पॉइंट से कि वी वॉन्ट टू इम्पोज दोज डायरेक्टर्स, वी वॉन्ट टू कीप दोज डायरेक्टर्स इन ऑडिट कमिटी जो इंडिपेंडेंट होंगे, डायरेक्टली कंपनी से उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ताकि प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोसेस ऑफ ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, प्रोसेस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट शुड बी मोर ट्रांसपेरेंट, ठीक है, शुड बी मोर लेजिटिमेट। इसीलिए हमने रूल ये बनाया कि ऑडिट कमेटी में पहले तो कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो 3 डायरेक्टर में से भी जितने भी हो, 3, 4, 5, 6, मेजॉरिटी शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ओके, ये पॉइंट याद रखना, मेजॉरिटी शुड बी independent directors. Next, auditors and key management person have right to be heard in meeting of audit committee but do not have right to vote. हम क्या बोल रहे हैं, ऑडिटर पहले तो, दूसरा की मैनेजरल पर्सन, ये लोग ऑडिट कमेटी की मीटिंग अटेंड तो कर सकते हैं बट किसी भी रीजन से वहां पे वोट नहीं कर सकते. तो अगर आपने किसी की मैनेजरल पर्सन को एज डायरेक्टर अपॉइंट किया ऑडिट कमेटी का, तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है. देयरफॉर उन्हें बोल दिया गया है कि आप वोट नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. सर फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस पे क्लास थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है. वैसे तो इंपॉर्टेंस वाइज ये बी क्वेश्चन है बट इसमें थ्योरी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. और एमसीक्यू तो क्लास किसी भी क्वेश्चन पे पूछ सकते हैं. और इम्पोर्टेंस की बात करूँ तो कंपनी ऑडिट चैप्टर में तो सर एमसीक्यू किसी से भी पूछा जा सकता है, हर कंसेप्ट रेलेवेंट है. ओके, सो व्हाट आर फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी. देखो, नंबर 1, टू रिकमेंड, अपॉइंट, ठीक है, डिसाइड रेम्यूनरेशन एंड टर्म्स ऑफ ऑडिटर. टर्म्स ऑफ ऑडिटर, तो ऑडिटर को रिकमेंड करना कि ऑडिटर कौन होगा. नंबर 2, उसे अपॉइंट करना, उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड करना, उसके टर्म्स डिसाइड करना. ये काम किसका है, ऑडिट कमेटी का. और ये क्लास नाम से ही आता है ना, ऑडिट कमेटी, जो ये सारी चीजें करती है रिगार्डिंग ऑडिटर. आई होप इट इज क्लियर. ये सारे पॉइंट्स हम आगे भी देखेंगे. तो सर रेम्यूनरेशन फिक्स कौन करेगा, हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बट बेसिकली वो होता है ऑडिट कमेटी. जहां जहां हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखा है रिगार्डिंग रिकमेंडेशन रेम्यूनरेशन, ये सब ऑडिट कमेटी डिसाइड करती है. ओके, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, रिव्यू एंड मॉनिटर ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस. तो हमने जिन जिन ऑडिटर को अपॉइंट किया है, क्या वो इंडिपेंडेंटली अपने काम को कर रहे हैं या नहीं. नंबर 2, क्या वो अपना ऑडिट प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी टाइम टू टाइम चेक करते रहती है कौन, ऑडिट कमेटी. नेक्स्ट पॉइंट, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट. तो क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट डायरेक्टर्स ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के कॉपी फॉरवर्ड करते हैं किसको, ऑडिट कमेटी को. ऑडिट कमेटी एग्जामिन करके ओके करती है, तब डायरेक्टर्स के एंगल से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके होता है. सेम वेज ऑडिटर भी ऑडिट रिपोर्ट जो सबमिट करता है कंपनी को, ये रिपोर्ट जाती है किसके पास, ऑडिट कमेटी के पास. दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू कि मोस्टली एवरीथिंग रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स वो कहीं ना कहीं सुपरवाइज करती है क्लास कौन, ऑडिट कमेटी. तो कितने पॉइंट हो गए, 3. ऑडिटर को अपॉइंट करना, उनके टर्म्स, उनके रेम्यूनरेशन फिक्स करना. नंबर 2, मॉनिटर करना कि ऑडिटर अपने काम को प्रॉपरली कर रहा है या नहीं. नंबर 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर्स रिपोर्ट को एग्जामिन करना. नंबर 4, अप्रूवल ऑफ सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ कंपनी विथ रिलेटेड पार्टीज. तो कंपनीज एक्ट में क्लास रिलेटेड पार्टीज से रिगार्डिंग एक सेक्शन है, सेक्शन 188 एंड 189. 189 बात करता है रिलेटेड पार्टीज को रजिस्टर करने की एंड 188 बात करता है ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज. तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जहां जहां रिलेटेड पार्टीज से रिगार्डिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं वहां वहां गड़बड़ी घोटाले होने के चांसेस ज्यादा है. एंड क्योंकि ऑडिट कमेटी में मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो टेंशन नहीं है सर, हमारी सुरक्षा कंपनी की सही हाथों में, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं तो ये मोर अनबायस्ड मैनर में होगा. तो सेक्शन 188 के हिसाब से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करने का काम भी किसका है, ऑडिट कमेटी का. नेक्स्ट, स्क्रूटनी ऑफ इंटरकॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट. इंटरकॉर्पोरेट मतलब लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन टू कंपनीज. दो कंपनीज यानी एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी को लोन दे रही है या इन्वेस्टमेंट कर रही है तो वो भी अप्रूव कौन करता है, स्क्रूटनाइज कौन करता है, ऑडिट कमेटी. नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यूएशन ऑफ अंडरटेकिंग्स ऑफ द कंपनी. अंडरटेकिंग्स ऑफ द कंपनी मतलब कंपनी की सब्सिडरीज, कंपनी की ब्रांचेस, इनका भी वैल्यूएशन करने का काम किसका है सर, ऑडिट कमेटी का. आगे बढ़ते हैं. इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, देखो काश, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब एक एंटिटी में सिस्टम कैसे बनता है। अब क्लास ये सिस्टम के कई सारे ब्रांचेस है, ऐसा हम बोल सकते हैं। एक सिस्टम होगा रिगार्डिंग परचेजेस, एक सिस्टम होगा रिगार्डिंग सेल्स, एक सिस्टम होगा रिगार्डिंग अप्रूवल्स। तो हर चीज के लिए हम एंटिटी में बनाते हैं एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बट मैं पहले दिन से आपको बोल रहा हूं, ऑडिटर इज मेनली कंसर्न टुवर्ड्स फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी। तो वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रेलेवेंट है उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम। तो ऑडिट कमेटी का काम है फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट करना। एंड आपको मैंने ये भी बताया था, इफ यू रिमेंबर, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। हर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में अंदर एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, रिस्क असेसमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। रिस्क किसका सर? रिस्क ऑफ गलतियां, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, RMM। तो क्या ये सिस्टम बना है? ये सिस्टम को इवैल्यूएट करने का काम भी किसका है सर? ऑडिट कमेटी का है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, मॉनिटरिंग एंड यूज ऑफ फंड्स थ्रू पब्लिक ऑफर। इज इट क्लियर? तो पब्लिक ऑफर्स में रूल क्या है, हमने कारों में भी डिस्कस किया था कि जिस पर्पस के लिए वो पैसा लिया है उसी पर्पस के लिए वो यूज होना चाहिए, यूटिलाइज होना चाहिए। तो ये भी इंश्योर करने का काम किसका है? ऑडिट कमेटी का। सो सर, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट कमेटी। इज इट क्लियर? या व्हाट आर फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमिटीज, व्हाट आर ड्यूटीज ऑफ ऑडिट कमेटी। तो ऐसे केसेस में ये 8 पॉइंट है, इसमें से आप 5-6 पॉइंट कम से कम मेंशन कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स तो बहुत सिंपल है जो सीधा सीधा ऑडिटर से रिगार्डिंग है, उनका अपॉइंटमेंट चेक करना, उनका रिकमेंडेशन, उनके रेम्यूनरेशन डिसाइड करना। नंबर 2, उसके काम को रिव्यू करना, मॉनिटर करना है। नंबर 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर्स रिपोर्ट को एग्जामिन करना है। फिर कुछ अप्रूवल्स की बात करते हैं, तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करते हैं, वो स्क्रूटनाइज करते हैं इंटर कॉर्पोरेट लोन्स को और इन्वेस्टमेंट्स को। ठीक है, वो आपका इंटरनल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम एंड रिस्क मैनेजमेंट को भी इवैल्यूएट करते हैं। एंड साथ साथ पब्लिक ऑफर से मिले हुए पैसे का एंड यूज बराबर हो रहा है कि नहीं, ये इससे भी मॉनिटर करते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर पावर्स ऑफ ऑडिट कमेटी। सिंपल से पॉइंट्स है। नंबर 1, they can call for comments of auditor on internal control system. नंबर 2, scope of audit and observations made. तो आपको बता दूं, ऐसे 265 में भी क्लियरली बोला है कि जब भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसी मिलती है तो ऑडिटर ने ये कम्युनिकेट करना चाहिए विथ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विथ गवर्नेंस, इंक्लूडिंग इफ इट इज रिक्वायर्ड। तो आपको ऑडिट कमेटी को भी ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो टाइम टू टाइम ऑडिट कमेटी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कमेंट मंगवा सकती है ऑडिटर से। नंबर 1, नंबर 2, उसके ऑडिट का ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है, जो स्टार्टिंग में बैठ के वो टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हैं एज पर SA 210, वहां पे भी ठीक है ऑडिट कमेटी का इंटरफेरेंस रहता है। एंड लास्ट पॉइंट, ऑडिटर ने जो भी ऑब्जर्वेशन बनाए हैं, जैसे रिपोर्ट को मॉडिफाई किया है, तो वो भी वो डिस्कस करना पड़ सकता है किससे? ऑडिट कमेटी से। आगे बढ़ाऊं, दे ऑल्सो रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर सबमिशन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद वो ऑडिट कमेटी के पास आएगी, रिव्यू होने के बाद फिर वापस से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएगी कि अब तुम वो कंसर्न पार्टीज को भेज सकते हो। ओके, नेक्स्ट, डिस्कस इश्यू विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ऑडिटर्स एंड मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यू है वो डिस्कस कर सकते हैं ऑडिटर से और मैनेजमेंट से। नेक्स्ट, अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू मैटर्स रिलेटिंग टू एनी ऑफ द अबव, यानी इन तीनों से रिगार्डिंग कोई भी इश्यू है, कोई भी गड़बड़ी है, कोई भी फ्रॉड है, तो वो उसमें इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं विद इन द एंटिटी। क्लास लास्ट पॉइंट, power to obtain professional advice from external source and to access records of the company. जब भी कोई दिक्कत आती है तो वो एक्सटर्नल एडवाइस भी ले सकते हैं किसी एक्सपर्ट से, एंड ठीक है कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी चेक कर सकते हैं क्लास. ओके, तो व्हाट आई एम डूइंग इज, जिसको भी अगर लिखना हो तो वो वीडियो को पॉज करके ये पूरे स्लाइड को लिख सकता है. मैंने ऑडिट कमेटी के बारे में आपको पूरा एक ओवरव्यू दे दिया. एंड नाउ क्लास वी विल स्टार्ट विथ अपॉइंटमेंट. ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट दिस पॉइंट्स. नाउ क्लास, ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट विथ कौन अपॉइंट करता है, कब तक अपॉइंट करता है एंड सिचुएशंस, सबसे पहले देखते हैं क्लास मैनर एंड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर. आप लोग को बता दूं कि ये सिमिलर क्वेश्चन जब पहली बार इंटर लॉ में, जब पहली बार ऑडिटर्स चैप्टर आया था तो आईसीआई ने ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर. ओके, इट्स वेरी सिंपल. तो कुछ जनरल पॉइंट्स. नंबर वन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटर टू बी कंसिडर्ड बाय बोर्ड और ऑडिट कमेटी. मतलब जब भी ऑडिटर को आप अपॉइंट करते हो उसके पहले उसका क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस ये कंसिडर किया जाता है बाय बोर्ड और ऑडिट कमेटी. क्लास बच्चों का लगता है कि सीधा सीधा एजीएम में रैंडमली किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है. पहले ठीक है कौन से पर्सन को अपॉइंट करना है, कुछ नामों को कंसीडर किया जाता है, उसके बाद वो फॉरवर्ड किया जाता है शेयर होल्डर्स को. उन नामों में से फिर शेयर होल्डर्स किसी एक पर्सन को या एक से ज्यादा पर्सन को इन केस ऑफ जॉइंट ऑडिट ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं. तो जब आपको डिसाइड करना है कि किस पर्सन को रिकमेंड करना है टू शेयर होल्डर्स, उसका क्वालिफिकेशन देखा जाता है, उसका एक्सपीरियंस देखा जाता है. किस सर कौन चेक करता है, देखो यहां पे दो ऑप्शन दिया हुआ है क्लास, बाय बोर्ड और ऑडिट कमेटी. मतलब जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी है वो करेगी. अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी अपॉइंट नहीं होती, जो हमने पिछले पॉइंट में देखा था, तो ऐसे केस में फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये काम करेंगे. तो वैसे तो ये काम किसका है सर, ऑडिट कमेटी का है, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये काम करेंगे अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है. ओके, सो सबसे पहले उसका एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन चेक किया जाता है. ठीक है, फिर ये करते समय तीन चीजों का और ध्यान देना है ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. नंबर वन, क्या उसके अगेंस्ट में कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का ऑर्डर तो नहीं आया है, क्या उसके अगेंस्ट में कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का ऑर्डर तो नहीं आया है. प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मतलब सीए एक्ट के तहत अगर उसने कोई मिसकंडक्ट किया है और आईसीआई ने उसे पनिश किया है तो ऐसा तो कुछ नहीं है. नंबर वन. नंबर टू, क्या उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट जो पेंडिंग है, मतलब चल रही है. एंड नंबर थ्री, और कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सही लगता है. इन शॉर्ट हमने क्या बोला, किसी का भी नाम रिकमेंड करने के पहले शेयर होल्डर्स को नंबर वन उसका एक्सपीरियंस चेक किया जाएगा, उसका क्वालिफिकेशन चेक किया जाएगा. यस सर. नंबर टू, ये भी कंसिडर किया जाएगा क्या पास्ट में उसके खिलाफ कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को लेके केस हुआ था या प्रेजेंट में उसके खिलाफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का कोई केस चल रहा है. ये सब चीजों को कंसिडर किया जाएगा. ओके, जनरल पॉइंट्स. नाउ वी कम टू एक्चुअल पॉइंट्स. क्लास देखो यहाँ पे दो सिनेरियो दिया हुआ है. नंबर वन, जहां पे ऑडिट कमेटी नहीं है वहां पे शेयर होल्डर्स को कौन रिकमेंड करेगा, ऑब्वियसली यू आर गेटिंग मी राइट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एंड जहां पे ऑडिट कमेटी है वहां पे कौन रिकमेंड करेगा, सर ऑडिट कमेटी नहीं, पूरा स्टेप है, वो स्टेप चेक करते हैं हम. सबसे पहले बात करते हैं जहां पे ऑडिट कमेटी नहीं है, लॉ बोलता है वहां पे बोर्ड विल कंसिडर एंड रिकमेंड. कुछ लोगों के नाम कंसिडर करते हुए रिकमेंड किया जाएगा किसको, मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को. एंड फिर मेंबर्स इनमें से किसी एक या ज्यादा, वन और मोर, को अपॉइंट करेंगे इन जनरल मीटिंग, मोस्टली एजीएम। तो पूरी कहानी कैसी है कि जनरल मीटिंग में जब शेयर होल्डर्स ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं सर, तो ऐसे रैंडमली किसी भी पर्सन को अपॉइंट नहीं करते। ओके, पहले ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेशन भेजेंगे शेयर होल्डर्स को विथ नोटिस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एंड उनमें से फिर किसको सिलेक्ट करना है द डिसीजन इज ऑन शेयर होल्डर्स। ओके, बट जहां ऑडिट कमेटी नहीं है ये रिकमेंडेशन कौन भेजेगा? ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर जहां पे ऑडिट कमेटी है, अब ध्यान देना लास्ट स्लाइड, बट वो पढ़ने के पहले पूरा स्टेप सुन लो। जहां ऑडिट कमेटी नहीं है वहां पे ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेंगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। परफेक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर सब कुछ सेटिस्फाई करता है तो वो रिकमेंड करेंगे शेयर होल्डर्स को। ओके, नंबर टू, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ दिक्कत है तो वापस भेज देंगे ऑडिट कमेटी के पास में कि आप रिकंसिडर करो, आपने जिन पर्सन का नाम लिखा है एक आधी पर्सन उतना सूटेबल नहीं है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, एज द केस में भी। ओके, तो ऐसे केस में अगर डायरेक्टर्स ने बीओडी ने वापस भेज दिया ऑडिट कमेटी को तो वो और किसी और का नाम फिर से रिकमेंड करेंगे। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। जब भी डायरेक्टर को फिट लगता है तब वो फॉरवर्ड कर देंगे ये रिकमेंडेशन। किसको? शेयर होल्डर्स को। सिंपल, देखो क्या लिखा हुआ है, ऑडिट कमेटी रिकमेंड टू बोर्ड। परफेक्ट, बोर्ड अगर एग्री करती है तो रिकमेंडेशन फॉरवर्ड कर देंगे। किसको? मेंबर्स को। अगर डिसएग्री करती है तो वापस से ऑडिट कमेटी को रेफर करेंगी फॉर रिकंसिडरेशन। अब अगर उन्होंने फिर से भेज दिया फिर से प्रोसेस कंटिन्यू होगा। बट इफ द ऑडिट कमेटी डिसाइड्स नॉट टू रिकंसिडर, क्या है? ईगो टसल्स हो सकते हैं। अगर ऑडिट कमेटी को लगता है कि ये फर्म, ये पर्सन होनहार है, ही इज वेरी गुड कि कंपनी का ऑडिटर बनेगा, उसने फॉरवर्ड किया। किसको? बोर्ड को। और बोर्ड ने वापस रिकंसिडर करने बोल दिया। ऑडिट कमेटी का दिमाग खराब हो गया कि भाई इतने अच्छे पर्सन को, इतने क्वालिफाइड पर्सन को हमने भेजा है, तुमने कैसे रिकंसिडर करने बोला? तो कई बार वो डिसएग्री भी कर सकते हैं कि हम रिकंसिडर नहीं करेंगे। ऐसे केस में क्या होगा? देखो क्या बोलता है, If audit committee decides not to reconsider its original recommendation, अगर बोर्ड एग्री करता है तो बोर्ड उनको रिकमेंड कर देगा। बट अगर बोर्ड डिसएग्री करता है कि ठीक है तुम भी डिसएग्री कर रहे हो, हम भी बोल रहे हैं हम सही है, ऐसे केस में फाइनल लाफ किसका है? फाइनल से किसका है? द आंसर इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल रिकॉर्ड द रीजन and send its own recommendation to members. They will send its own recommendation to members. वापस से AC यानी ऑडिट कमेटी ने फॉरवर्ड किया बीओडी को, बीओडी खुश है, बीओडी फॉरवर्ड कर देगा। किसको? शेयर होल्डर्स को। ओके, सिंपल। नंबर टू, नाखुश है बीओडी, बीओडी वापस कंसिडर करने भेज देगा, ऑडिट कमेटी किसी और को भेज देगा, पसंद आया आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। बट अगर इनके बीच में ईगो इश्यूज आ गया और बोर्ड ने उनकी बात मान ली तो वो उनका रिकमेंडेशन फॉरवर्ड कर देंगी। बट अगर बोर्ड ने उनकी बात नहीं मानी तो फिर लॉ बोलता है कि बोर्ड रीजंस रिकॉर्ड करेंगी और बोर्ड खुद का रिकमेंडेशन भेजेंगी। यानी अल्टीमेटली अगर ऑडिट कमेटी और बोर्ड में टसल है तो ऐसे केस में बोर्ड विंस द बैटल। बोर्ड वो रीजन रिकमेंड करके लिख के लिस्ट करके फॉरवर्ड कर देंगी वो रिकमेंडेशन। किसको? शेयर होल्डर्स को। ओके, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। ये लिख लेना आप लोग, अच्छा लिख लो, चलो गुस्सा मत हो। हाँ गाइस, नेक्स्ट पॉइंट इज, ठीक है, और एक स्टेप आगे जिन जिन को रिकमेंड किया जाएगा, किसको? शेयर होल्डर्स को। उनका पहले, इसके पहले की कहानी और समझ लो। ऑडिटर से दो चीजें ली जाएंगी, रिपीट, ऑडिटर से दो चीजें ली जाएगी। नंबर वन, उससे एक रिटर्न कंसेंट लिया जाएगा कि यस अगर उसे अपॉइंट किया तो ही इज रेडी फॉर अपॉइंटमेंट। नंबर टू, उससे एक सर्टिफिकेट लिया जाएगा। ओके, उससे एक रिटर्न कंसेंट लिया जाएगा, उससे एक सर्टिफिकेट लिया जाएगा। सर सर्टिफिकेट में क्या मेंशन होगा? नंबर वन, कि मैं सेक्शन 141 के सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता हूं, मतलब आई एम क्वालिफाइड। नंबर वन, आई एम क्वालिफाइड, मैं डिसक्वालिफाइड नहीं हूं, मैं क्वालिफाइड हूं। आई कैन बी ऑडिटर ऑफ योर कंपनी। नंबर टू, सीए एक्ट के अंदर भी मैं क्वालिफाइड हूं। तो ना सिर्फ मैं कंपनीज एक्ट के अंदर क्वालिफाइड हूं, मैं सीए एक्ट के अंदर भी क्वालिफाइड हूं, मैं आपकी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट कर सकता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, माय अपॉइंटमेंट विल बी एज पर टर्म्स अंडर दिस एक्ट, तो एक्ट के सारे रूल्स मैं फॉलो करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रपोज अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट्स अंडर दिस एक्ट, मतलब जो मैक्सिमम ऑडिट की लिमिट थी अंडर सेक्शन 141 3G, आपके फोन की लिमिट 3G की है सर, 4G नहीं चलता आपके इसमें, मैक्सिमम ऑडिट की लिमिट, समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, तो भाई एक सीए 20 ऑडिट कर सकता है, मेरा वो लिमिट भी क्रॉस नहीं हुआ है। नंबर वन, मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं कंपनी एक्ट में, ओके भाऊ, मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, ठीक है, सी एक्ट में, ओके भाऊ, मेरा अपॉइंटमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर फोर, मेरी सीलिंग लिमिट भी क्रॉस नहीं हुई। एंड लास्ट पॉइंट, ठीक है, अगर कोई पेंडिंग लिटिगेशन मेरे खिलाफ चल रहा है तो वो भी मैं डिस्क्लोज कर दूंगा, कहाँ पे? सर्टिफिकेट में। तो आई रिपीट, कभी भी हो, अपॉइंट करने के पहले आपको ऑडिटर से दो चीजें लेनी है। नंबर वन, रिटर्न कंसेंट लेना है कि आई वॉन्ट टू बी ऑडिटर इन योर कंपनी। नंबर टू, सर्टिफिकेट लेना है, सर उस सर्टिफिकेट में क्या लिखा होगा? नंबर वन, आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड, ठीक है, टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर अंडर कंपनीज एक्ट, आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर सीए एक्ट। नंबर थ्री, मैं टर्म्स के हिसाब से अपॉइंट हो रहा हूँ, मेरी मैक्सिमम सीलिंग लिमिट क्रॉस नहीं हुई है, और कोई पेंडिंग केस अगर चल रहा है तो उसके भी सारे डिटेल्स देने पड़ेंगे। ओके, ये सारी कहानी है पीछे की, ऑडिटर अपॉइंट होने के पहले उसका सिलेक्शन कैसे होता है, रिकमेंडेशन कैसा भेजा जाता है, हमने ये भी देख लिया। नंबर टू, ऑडिटर से कौन कौन से लेटर लिए जाते हैं, कंसेंट लिया जाता है, ये हमने देख लिया। ओके, चलो ये लिख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट की ओर। तो क्लास, अगर मैं बात करूं अपॉइंटमेंट के, तो अपॉइंटमेंट के तीन सिनारियो हमको कंपनीज एक्ट में देखने हैं। नंबर वन, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। नंबर टू, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। नंबर थ्री, अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। आई रिपीट, हम जब अपॉइंटमेंट देख रहे हैं सर, तो हमको अपॉइंटमेंट के तीन सिनारियो देखने हैं। नंबर वन, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। नंबर टू, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। एंड नंबर थ्री, अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। अब सर, ये फर्स्ट ऑडिटर क्या होता है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर क्या होता है, कैजुअल वैकेंसी क्या होता है, ये सारी चीजें ये टाइमलाइन के हिसाब से इस स्लाइड में हम देखेंगे। ओके, चलो देखो, फर्स्ट केस क्या है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी। ओके, नाउ पॉइंट क्या है सर, नॉर्मली ऑडिटर कहाँ पे अपॉइंट होता है? नॉर्मली ऑडिटर अपॉइंट होता है एजीएम में। जो बच्चों को ये याद नहीं आ रहा है, याद करो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ एजीएम, जो आपने जनरल मीटिंग चैप्टर में लॉ में पढ़ा था कि हर एजीएम में चार चीजें करनी पड़ती है। अभी अभी साल खत्म हुआ है, साल के अकाउंट्स को कंसीडर करके अडॉप्ट करना पड़ता है। नंबर टू, उन अकाउंट्स पे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना पड़ता है। नंबर थ्री, जो डायरेक्टर्स रिटायर हो रहे हैं उनके जगह नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ता है। एंड नंबर फोर, ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ता है। तो सर, नॉर्मली ऑडिटर कहाँ पे अपॉइंट होता है? एजीएम में। सर दिक्कत क्या है, अभी अभी क्लास कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, इश्यू इज, ठीक है, एजीएम को तो अभी बहुत टाइम है, ये देखिए इतना टाइम बाकी है अभी एजीएम को, तो एजीएम को तो क्लास बहुत टाइम है, क्या तब तक कंपनी में ऑडिटर की जरूरत नहीं है? द आंसर इज क्लास, तब तक ऑडिटर की जरूरत डेफिनेटली है। सर किन चीजों के लिए? नंबर वन, ठीक है, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेंगी, शेयर्स इशू करने के लिए, तब ऑडिटर की साइन लगेगी, यस, ठीक है, कंपनी शेयर्स इशू करेंगी तब ऑडिटर की साइन लगेगी। एंड बीच में कई इश्यूज के लिए ऑडिटर की जरूरत पड़ेगी, ये साल जब क्लोज होगा साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना पड़ेगा। तो याद रखना, ठीक है, कि जिस जो ऑडिटर आप कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के समय अपॉइंट करते हो, उसे बोलते हैं फर्स्ट ऑडिटर। आई रिपीट, जो ऑडिटर आप कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के समय अपॉइंट करते हो आप उसे बोलते हो फर्स्ट ऑडिटर। सर फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर कब तक होता है? फर्स्ट एजीएम तक। एक बार एजीएम आ गई, शेयर होल्डर्स आ गए, बाद में जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा दोस विल बी सबसेक्वेंट ऑडिटर, चाहे कंपनी का पहला एजीएम हो, पांचवा हो, 10वां हो, 20वां हो, 100वां हो, 200वां हो, फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जो ऑडिटर रहेगा वो हमेशा कहलाएगा सबसीक्वेंट ऑडिटर। तो किसी भी कंपनी के लाइफ टाइम में एक ही बार फर्स्ट ऑडिटर आता है। वो कब आता है? वो अपॉइंट होता है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के समय। उसका टेन्योर होता है टिल फर्स्ट एजीएम। एक बार फर्स्ट एजीएम आ गया मतलब एजीएम आ गया, उसके बाद जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा उसे क्या बोलेंगे हम? सबसिक्वेंट ऑडिटर। तो क्या बोलते हैं? फर्स्ट एजीएम मे इट बी फर्स्ट एजीएम और एनी अदर एजीएम। आफ्टर फर्स्ट ऑडिटर एनी ऑडिटर अपॉइंटेड विल बी सबसिक्वेंट ऑडिटर। आई होप इट इज क्लियर। एनी ऑडिटर अपॉइंटेड विल बी सबसिक्वेंट ऑडिटर। लास्ट पॉइंट। अब क्लास आपको बता दूं, आजकल नए कंपनीज एक्ट के रूल के हिसाब से जो भी बंदा आता है वो एक साथ 5 साल के लिए अपॉइंट होता है, यानी उसको 5 सालों की ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करनी पड़ती है। इज इट क्लियर? वो जिस एजीएम में अपॉइंट होता है, आई रिपीट, मैं कंपनी के कोई भी एजीएम में अपॉइंट हूं, वो मेरा पहला एजीएम रहेगा। मैं अभी कंपनी के एंगल से बात नहीं कर रहा, वो मेरा पहला एजीएम रहेगा। माई फर्स्ट एजीएम टू माई सिक्स्थ एजीएम। तो फर्स्ट से सेकेंड एक, सेकेंड से थर्ड दो, थर्ड से फोर्थ तीन, फोर्थ से फिफ्थ चार एंड फिफ्थ से सिक्स 5। यानी ऑडिटर का टर्म इज फॉर 5 इयर्स, यानी 1 टर्म फ्रॉम फर्स्ट एजीएम टू सिक्स्थ एजीएम इज फॉर 5 इयर्स। ओके, माय पॉइंट इज इन सालों के बीच में बिटवीन एनी 2 एजीएम्स क्या उसका टेन्योर कंप्लीट हुआ है? बोलो क्या उसका टेन्योर कंप्लीट हुआ है? नहीं सर। तो अगर टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ और किसी रीजन से ऑडिटर डिसकंटिन्यू कर लेता है विदाउट गिविंग ऑडिट रिपोर्ट, आप एजीएम में निकाल रहे हो, चाहे वो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो, तो ये इशू नहीं आएगा। ये इशू कब आएगा? किसी भी दो एजीएम के बीच में किसी रीजन से ऑडिटर की डेथ हो गई, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, ठीक है, कोई भी रीजन से वो पैरालिसिस हो गया, उसे एक्सीडेंट हो गया उसका, तो पॉइंट समझो ऑडिटर की पोस्ट खाली हो जाएंगी एंड नेक्स्ट ईयर एजीएम में ऑडिट रिपोर्ट तो हमको देना ही है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज कैजुअल वैकेंसी और हमको वो वैकेंसी को फिल करना पड़ेगा बाय अपॉइंटिंग न्यू ऑडिटर। जैसे अपने इस एग्जाम्पल में सपोज 4th और 5th एजीएम के बीच में ऑल्टर की डेथ हो गई, तो बॉस समझो कि ये बंदा तो गया बट 5वें एजीएम में तो ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी ना, ये भाई साहब तो बिना ऑडिट रिपोर्ट दिए चला गया। ऐसे केस में हम क्या करेंगे क्लास? क्योंकि वो चला गया, निकल गया, दिस इज कॉल्ड एज कैजुअल वैकेंसी एंड कैजुअल वैकेंसी केस में आपको नए ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। तो सर देयर आर 3 सिनारियोज जो आपको याद रखना है। अपॉइंटमेंट हम जब पढ़ रहे हैं तो हम 3 केसेस पढ़ेंगे। नंबर 1 अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, नंबर 2 अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर एंड नंबर 3 अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। वो भी क्लास 2 कंपनीज के लिए पढ़नी है। गवर्नमेंट कंपनीज के लिए अलग रूल है एंड अदर कंपनीज के लिए अलग रूल है। ओके, तो इन शॉर्ट हमको अपॉइंटमेंट के 3 नहीं 6 सिनेरियो देखने हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर अदर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर अदर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी, अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी अदर कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। ऐसे 6 केसेस 6 सिनेरियो क्लास अपने को देखने हैं। ओके, चलो नाउ याद रखना क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग सेक्शन था सर सेक्शन 141। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने भी सेक्शन है वो है सेक्शन 139, याद रखना सेक्शन 139। चलो क्लास शुरू करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। Okay, now I should not tell you who he is called as first auditor. Sir, first auditor वो है जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के समय अपॉइंट होता है एंड उसका टेन्यूअर होता है टिल फर्स्ट एजीएम। ये देखो, ही इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑडिटर। यह क्लास हमको दोनों कंपनी में देखना है, अदर कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। अदर कंपनी इज सेक्शन 139 सब सेक्शन 6। मैं हमेशा बच्चों को याद कराने के लिए बोलता हूं, पहला फर्स्ट ऑर्डर पहली बॉल पे छक्का मारा, यानी सब सेक्शन 6। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर अदर कंपनी, अदर मतलब अदर देन गवर्नमेंट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो अदर कंपनी इज सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 एंड गवर्नमेंट कंपनी इज सेक्शन 139 सब सेक्शन 7। ओके सर, पहले अदर कंपनी में रूल क्या है वो देखते हैं। क्लास दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल बोलो, एमसीक्यू बोलो, भर भरा के इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। ओके तो क्लास पहले मैं बात कर रहा हूं अदर कंपनी की। एक्सक्यूज मी क्लास, मुझे बताओ ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? सर ऑडिटर अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर्स। बट क्लास अभी तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, क्या आप अफोर्ड कर सकते हो कि शेयर होल्डर्स को बुलाए, मीटिंग कंडक्ट करे, फिर बंदा अपॉइंट होगा, फिर फर्स्ट एजीएम तक चलेगा? तो माय पॉइंट सम इज कि वैसे तो ठीक है ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स। बट फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने का हमने ऑप्शन दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो याद क्या रखना है क्लास कि फर्स्ट ऑडिटर केस में नई नई कंपनी है और पहला पहला ऑडिटर है। नई नई कंपनी है, पहला पहला ऑडिटर है। इज इट क्लियर? तो वैसे तो ऑडिटर अपॉइंट करने का ऑप्शन किसके पास है? शेयर होल्डर्स के पास है। बट पहला ऑडिटर अपॉइंट करने का हमने ऑप्शन किसको दिया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम चाहे तो पहला ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो। इज इट क्लियर? ये आपको करना पड़ेगा विद इन 30 days फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। तो टाइम लिमिट भी याद रखना क्लास। वैसे भी आगे के जितने भी सेक्शंस हैं आपको एक मैं रामबाण इलाज देता हूं, एकदम तोड़ू इलाज देता हूं। दैट इज जहां भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएगा वहां पे विद इन 30 days आएगा, याद रखना। ओके सो सर पहला ऑप्शन किसको दिया हमने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कि तुम चाहो तो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो बट तुमने ये करना चाहिए विद इन 30 days फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। नाउ क्लास, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या हम फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं उनका नाम सीधा सीधा इनकॉर्पोरेशन में आर्टिकल्स में लिख के? ये क्वेश्चन सर आ क्यों रहा है ये समझिए। क्योंकि फर्स्ट डायरेक्टर्स जो अपॉइंट होते हैं, जो आप लोगों ने इनकॉर्पोरेशन के समय पढ़ा था कि आपको DIR-2 फॉर्म देना पड़ता है, कुछ याद है क्या? तो फर्स्ट डायरेक्टर्स जो हम अपॉइंट करते हैं क्लास, उस समय उनका नाम AOA में लिख देते हैं। बट ऑडिटर के केस में ऐसा नहीं है। लॉ बोलता है भाई पहला ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को विद इन 30 days। AOA में नाम लिखने से काम नहीं चलेगा, वैलिड बोर्ड मीटिंग लेके, वैलिड बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर्स को यह अपॉइंट करना पड़ेगा। क्या बोलता है? टेक वैलिड बोर्ड मीटिंग एंड पास बोर्ड रिजोल्यूशन, तब जाके फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा। सबसे पहली बात। दूसरा क्लास, ये इंडिया है, इंडिया में कंप्लायंसेस से ज्यादा नॉन कंप्लायंसेस होते हैं। ओके, बहुत कम कंपनीज ऐसी है जो हर चीज को कंप्लाई करेगी। तो वैसे तो रूल ये है कि बीओडी ने फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना चाहिए विद इन 30 days फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। बट ये इंडिया है, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए लॉ मेकर ने सेकंड ऑप्शन भी लेके चला कि भाई अगर बीओडी फेल हो गई, अब कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टर्स इंटीमेट करेंगे शेयर होल्डर्स को कि हमसे ना हो पाया बाबूजी, हमसे ना हो पाया। ठीक है, तो बीओडी इंटीमेट करेंगे किसको? शेयर होल्डर्स को अब कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे विदिन 90 डेज फ्रॉम इंटीमेशन। अब बच्चे पूछते सर ये कहाँ अपॉइंट करेंगे? बाबा एजीएम के लिए अपॉइंट कर रहे हैं तो एजीएम तो नहीं लेंगे, क्या लेंगे सर? दो एजीएम के बीच में जो भी जनरल मीटिंग होती है क्या बोलते हैं उसे? ईजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्लास कि वैसे तो नॉर्मली हमेशा कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स, बट फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने का पहला ऑप्शन हमने किसको दिया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि तुम चाहो तो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो बट तुम्हें करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। एओए में नाम लिखने से काम नहीं चलेगा, वैलिड बोर्ड मीटिंग लेके वैलिड बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। सर अगर इनसे ना हो पाया, इफ बीओडी फेल्स, तो वो इंटीमेट करेंगे शेयर होल्डर्स को, एंड नाउ शेयर होल्डर्स विल अपॉइंट विद इन 90 डेज। कब से? फ्रॉम इंटीमेशन। तो टाइम लिमिट्स क्लास याद रखना, यहां पे टाइम लिमिट इज 30-90, 60 उड़ा दो, 30-90। ओके, नाउ गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो सब लोग मेरे साथ गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ के आए हुए लोगों, तुम मुझे बताओ गवर्नमेंट ऑडिट में हमने क्या पढ़ा? हु इज द पर्सन हु अपॉइंट्स ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी या हु कंडक्ट्स ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी? द आंसर इज सर सीएजी। आई होप इट इज क्लियर। द आंसर इज सीएजी। आपको मैंने गवर्नमेंट ऑडिट में भी सिखाया था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है तो सीएजी खुद ऑडिट करेगा। बट इफ इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो ऐसी कंपनी में ऑडिटर तो अपॉइंट सीएजी करेगा बट ऑडिट सीए करेगा। सीए मतलब पर्सन क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 141। ओके, सो रूल क्या है कि गवर्नमेंट कंपनी में पहला ऑप्शन किसको दिया? सीएजी, कि तुम चाहो तो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो। अगेन तुम्हें कब तक करना पड़ेगा? विद इन 60 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। सर याद है कैसे करेंगे? अरे बाबा वेरी सिंपल, पहले 30-90 था, 30-90 बचा क्या? 60, वो यहां पे शुरू कर दो। तो सीएजी अपॉइंट करेगा फर्स्ट ऑडिटर विद इन 60 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। अगर उससे ना हो पाया, इंडिया है बाबा कुछ भी हो सकता है, तो फिर ऑप्शन जाएगा किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बताओ सर बीओडी कब तक करेगा? बोलो बोलो बोलो, बीओडी जब भी आएगा नीचे क्या आएगा? विद इन 30 डेज। तो सीएजी से अगर नहीं हुआ तो बीओडी अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज। अगर इनसे भी नहीं हो पाया, अगर बीओडी भी फेल हो गया, अब कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, अब इंटीमेट करेंगे किसको? शेयर होल्डर्स को, एंड दे विल अपॉइंट विद इन 60 डेज। सर याद कैसे करना है? याद ही तो सब कुछ है क्लास यहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी में पहला ऑप्शन दिया सीएजी को, वो कब तक करेगा? विद इन 60 डेज। 60 कहाँ से आया? अदर कंपनी 30-90 था, बचा क्या था? 60। तो 30-90 बचा क्या? 60-30-60। याद कैसे करना है? 60-30-60। ओके, सो इफ सीएजी फेल्स तो नया ऑडिटर अपॉइंट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज। अगर इनसे भी नहीं हो पाया तो फिर इंटीमेट करेंगे शेयर होल्डर्स कि शेयर होल्डर्स हम आपके भरोसे पे खरा नहीं उतरे, ठीक है, हमसे ना हो पाया, अब आप ही कर दो। अब कौन करेगा? शेयर होल्डर्स। कहाँ पे? ईजीएम में। कब तक? विद इन 60 डेज फ्रॉम इंटीमेशन। ऑलराइट क्लास, दिस वाज फर्स्ट ऑडिटर। भाई अदर कंपनी हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, इनमें से किसी ने भी अपॉइंट किया हो, पहले ऑडिटर का टेन्यूअर रहेगा टिल फर्स्ट एजीएम। इज इट क्लियर? पहला एजीएम आ गया, शेयर होल्डर्स आ गए, अब या तो वो उसी को सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे या किसी नए बंदे को सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। नंबर टू, ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर हो कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, इसके पहले की जो पूरी कहानी हमने समझी, कंसेंट लेटर लेना, सर्टिफिकेट लेना, मैनर ऑफ सिलेक्शन, ये हर ऑडिटर पे क्लास एप्लीकेबल है। तो मैं जल्दी से इसको बड़ा करता हूँ और स्क्रीन से जल्दी जल्दी से बाहर भागता हूं ताकि आप लोग पॉज करें और लिख सके। ओके क्लास, नाउ माय सिंपल क्वेश्चन इज कि कंपनी में एक बार इनकॉर्पोरेशन के समय फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हुआ तो क्या जिंदगी भर वो ही ऑडिटर रहेगा? नहीं सर, आप ही ने बोला कि फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर विल बी टिल फर्स्ट एजीएम। अब क्लास फर्स्ट एजीएम आ गई, उसके बाद कंपनी के लाइफ टाइम में कोई भी ऑडिटर अपॉइंट होगा, ही विल बी कॉल्ड एज सब्सिक्वेंट ऑडिटर। ओके, सो अब हमको देखना है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। फिर से दो केस में देखेंगे, अदर कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। फर्स्ट ऑडिटर अदर कंपनी सेक्शन था 139 सबसेक्शन 6, 7, अदर 6, गवर्नमेंट 7। यहां पे सबसे पहला सेक्शन अदर कंपनी के लिए 139 सबसेक्शन 1। सब लोग मेरे साथ आप खुद बोलो, सब्सिक्वेंट ऑडिटर कहां पे अपॉइंट होगा सर? ऑब्वियसली बात है सर, एजीएम में होगा। एजीएम में कौन आके डिसीजंस लेता है सर? ऑफ कोर्स सर, शेयर होल्डर डिसीजन लेते हैं। आई होप इट इज क्लियर। एंड ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए भले ही ऑर्डिनरी बिजनेस हो, बट यहां रेजोल्यूशन ओआर लगता है कि एसआर लगता है सर? ऑफ कोर्स क्या लगता है? एसआर। सर क्या ये पॉइंट सही है? नहीं, ये पॉइंट गलत है। सर कहना क्या चाह रहे हो? ठीक है, दिस पॉइंट इज रॉन्ग, बीच में कुछ गलतियां हुई थी लॉ डिपार्टमेंट से। ठीक है, लोगों को ये लग रहा था कि ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए एसआर पास करना पड़ता है, फिर डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया, इसलिए मैं कटवा रहा हूं कि ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। ओके, तो सर सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट कहां पे होगा? एजीएम में होगा। अपॉइंट कौन करेगा? शेयर होल्डर्स करेगा। इज इट क्लियर? बाय पासिंग ओआर की एसआर? ओआर। अब क्लास पहले के जमाने में रूल क्या था, अभी रूल क्या है, चेंज क्या है, समझो। देखो कहीं तो भी मैं लिख रहा हूं, फिर मैं मिटवा दूंगा। ओके, इधर 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 कहीं तो भी लिख जाए। मेरा पेन क्यों नहीं लिख रहा है भाई साहब? हाँ, तो क्लास देखो, सपोज दिस इज फाइनेंशियल ईयर, दिस इज फाइनेंशियल ईयर। ओके, इस बीच में कभी तो भी एजीएम होती थी 30 सितंबर के पहले। एक बात क्लियरली समझ लो क्लास, ये जो एजीएम हुई है ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की है। उसी साल की फाइनेंशियल ईयर में उसी साल एजीएम लेंगे तो उस साल डांडिया खेलेंगे क्या? साल तो खत्म हुआ नहीं। ठीक है, तो एजीएम में करेंगे क्या? तो जो फाइनेंशियल करंट फाइनेंशियल ईयर में एजीएम होती है, हमेशा समझो कि ये एजीएम पिछले फाइनेंशियल ईयर की है। तो सपोज 16-17 फाइनेंशियल ईयर है, तो उसमें जो एजीएम हुई है क्लास, वो 15-16 की एजीएम है। ओके, तो सर 16-17 की एजीएम कब होगी? 17-18 में होगी। ओके, क्या ये पॉइंट आपको समझा अच्छे से? तो पहले क्या होता था सर, इस एजीएम में जो भी ऑडिटर अपॉइंट हुआ वो एक साल का ऑडिट करता था, मतलब 16-17 का ऑडिट करता था और 16-17 की एजीएम में रिपोर्ट करता था। फिर अगले एजीएम में या तो आप उसे रीअपॉइंट करो या किसी नए ऑडिटर को अपॉइंट करो। इज इट क्लियर? वो 17-18 का ऑडिट करता था और 17-18 की एजीएम जो 18-19 में होती थी उसमें ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करता था। फिर उस एजीएम में या तो आप किसी नए ऑडिटर को अपॉइंट करो या किसी पुराने ऑडिटर को रीअपॉइंट करो। ये क्लास कहानी चलती थी हर साल। ओके, ये कहानी चलती थी क्लास हर साल। अब इन्होंने ये लॉ बदल दिया है, वो क्यों बदला है वो भी आपको आगे जाके मैं सिखाऊंगा। बट इन्होंने अब ये लॉ बदल के लॉ ये बना दिया कि अब जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा उसका टेन्यूअर विल बी 1 टर्म, एंड 1 टर्म इज इक्वल टू 5 इयर्स। दैट इज फ्रॉम फर्स्ट एजीएम टू 6th एजीएम। फर्स्ट से सेकेंड, एक एजीएम में ऑडिट रिपोर्ट, सेकेंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ एंड फिफ्थ टू सिक्स्थ। ऐसे ये 5 साल की ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करेगा। तो याद रखना दोस्तों कि ऑडिटर का टेन्यूअर ईयर्स में कैलकुलेट नहीं होता, ऑडिटर का टेन्यूअर एजीएम्स में कैलकुलेट होता है। अगर 8 साल में 5 एजीएम हुए तो ऑडिटर का टेन्यूअर वो 8 साल तक रहेगा। यस, So alter ka tenure is calculated through with AGMs and not with respect to years. क्या ये पॉइंट समझा? ठीक है. अब उन्होंने क्या बोला कि जो भी बंदा अपॉइंट होगा वो एक साथ 5 साल के लिए अपॉइंट होगा, एक टर्म के लिए अपॉइंट होगा, एंड 1 term is equal to 5 years. ओके, सो इसका टेन्योर विल बी फ्रॉम 1st AGM to 6th AGM. अब आप बोलोगे सर अगर चौथे एजीएम में किसी और को अपॉइंट किया तो बोलो क्या होगा, टेन्योर क्या रहेगा? सर उसका टेन्योर रहेगा 4 से लेके 5 साल यानी 90 तक. फिर अगर 8वें एजीएम में कोई नया बंदा अपॉइंट हुआ तो आप बोलोगे सर 8वें से लेके 13वें तक. माय पॉइंट इज यहाँ जो 1st AGM वर्ड लिखा हुआ है, कंपनी का वो 1st चलता रहे, कंपनी को 5वां चलता रहे, 500वां चलता रहे. ये जो 1st AGM लिखा है ये ऑडिटर के एंगल से है. जो भी नया बंदा कंपनी में आएगा जिस एजीएम में वो अपॉइंट होगा वो उसके एंगल से 1st AGM है. ओके, एंड उसका टेन्योर विल बी उसके एंगल से 1st AGM तो उसके एंगल से 6th AGM. इज इट क्लियर? कंपनी का कोई भी एजीएम चलता रहे, ठीक है, एक बार जो बंदा आता है वो उसके एंगल से ये 1st का रूल लिखा हुआ है, तो 1st to 6th. आई होप इट इज क्लियर. सर जो भी बंदा अपॉइंट होगा वो एक साथ 5 साल के लिए अपॉइंट होगा फ्रॉम 1st AGM to 6th AGM. अब क्लास इन इंटरविनिंग एजीएम, इंटरविनिंग मतलब बीच की एजीएम्स, यानी 2nd, 3rd, 4th, 5th शेयर होल्डर्स रेटिफाइज ऑल्टर बाय पासिंग OR. ये लॉ हट गया है. पहले क्या होता था क्लास कि आपने उस बंदे को एक साथ 5 साल के लिए अपॉइंट किया, अब बीच के सालों में सिर्फ शेयर होल्डर एक बार OR पास करते, बोलते हाँ कंटिन्यू करो, फिर नेक्स्ट एजीएम में OR पास करते, हाँ कंटिन्यू करो, फिर नेक्स्ट एजीएम में OR पास करते, हाँ कंटिन्यू करो. भाई अभी वो रूल हट गया है, एक साथ वो 1st to 6th अपॉइंट हुआ है. हाँ, इंटरविनिंग एजीएम में शेयर होल्डर्स कैन रिमूव हिम. तो शेयर होल्डर्स को एक साथ 5 साल के लिए नहीं करना है तो बीच में भी उसे रिमूव करके किसी नए बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं. एंड सब लोग मेरे साथ बोलो, अगर नया बंदा अपॉइंट होगा बोलो उसका कौन सा एजीएम होगा? सर 1st AGM. क्यों? जो भी नया बंदा आता है उसका 1st AGM से वो कब तक कंटिन्यू करेगा? सर 6th AGM तक. तो 1st to 6th जो है, ये जो वर्ड लिखे हुए हैं वो ऑडिटर के एंगल से है. ओके, चलो तो आजकल ये रेटिफिकेशन कट हट चुका है क्लास, इसको काट देना और लिख देना कि अब सीधा बंदा 5 साल के लिए अपॉइंट होगा, बीच में शेयर होल्डर उससे नाखुश है तो उसको हटा के किसी नए बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं. ओके, चलो आफ्टर अपॉइंटमेंट, ठीक है, कंपनी इंटीमेट करेगी ROC को विद इन 15 days इन फॉर्म नंबर ADT 1. जब भी आप किसी ऑडिटर को अपॉइंट करते हो हर एजीएम के 15 दिन के अंदर, दिस इज कंपलसरी कि कंपनी इंटीमेट करती है ROC को इन फॉर्म नंबर ADT 1. ओके, तो मैं रिपीट करता हूं, सबसिक्वेंट ऑडिटर इन अदर कंपनी सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 लॉ बोलता है कि सबसिक्वेंट ऑडिटर मतलब कोई भी ऑडिटर जो कंपनी में अपॉइंट होता है अदर देन 1st ऑडिटर इज कॉल्ड एज सबसिक्वेंट ऑडिटर. सर सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होता है एजीएम में, वो करते हैं शेयर होल्डर्स बाय पासिंग SR मत लिखना क्लास, OR. चारों ऑर्डिनरी बिजनेस में OR है कोइंसिडेंटली. ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, जो भी बंदा अपॉइंट होगा वो 1 term के लिए अपॉइंट होगा. 1 term is equal to 5 years दैट इज फ्रॉम 1st AGM to 6th AGM. ओके, बीच में शेयर होल्डर्स चाहे तो उसे रिमूव कर सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, जिसको भी आपने अपॉइंट किया कंपनी वो बंदे का इंटीमेशन देंगी किसको? ROC को विद इन 15 days इन फॉर्म नंबर ADT 1. ओके, सर गवर्नमेंट कंपनी में सेक्शन इज सेक्शन 139 सबसेक्शन 5. सर बीच के सेक्शन क्या है? 2, 3, 4 ये रोटेशन में यूज करेंगे हम. ओके, चलो तो 139 सबसेक्शन 1 अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर अदर कंपनी, 2, 3, 4 रोटेशन, 5 गवर्नमेंट कंपनी, 6 फर्स्ट ऑडिटर अदर कंपनी, 7 फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी. इतने सेक्शंस का हमको याद हो गया. सर गवर्नमेंट कंपनी में कौन करता है? CAG ही करेगा. वो फर्स्ट ऑल्टर समान ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे, यहाँ फिक्स है कि ये लोग ही करेंगे, ठीक है, सीएजी ही करेगा। कब तक सर? विद इन 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 का ऑडिट करना है तो ये साल शुरू होने के 180 दिन के अंदर सीएजी अपॉइंट करेगा। सर जो बंदा अपॉइंट होगा टेन्योर क्या रहेगा? एजीएम टू एजीएम। गवर्नमेंट कंपनी में 5 साल का रूल एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान देना। गवर्नमेंट कंपनी में क्लास 5 साल का रूल एप्लीकेबल नहीं है। यहां पे जब बंदा अपॉइंट हुआ अगले एजीएम में, तो एजीएम तो एजीएम नहीं होगा, टिल नेक्स्ट एजीएम इज द एग्जैक्ट वर्ड जो हम यूज करेंगे, टिल नेक्स्ट एजीएम। सर फिर अगले साल क्या होगा? अरे बाबा सीएजी अपॉइंट कर देगा विद इन 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फिर सर वो बंदा क्या करेगा? अगले एजीएम में ऑडिट रिपोर्ट देगा। फिर सर फिर क्या होगा? फिर से सीएजी अपॉइंट करेगा विद इन 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ओके, सो अपॉइंटमेंट से नेक्स्ट एजीएम, अपॉइंटमेंट से नेक्स्ट एजीएम, ये टेन्योर है किसका? गवर्नमेंट कंपनी का। तो क्लास हमने फर्स्ट ऑडिटर डिस्कस कर लिया, हमने गवर्नमेंट कंपनी डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी, आपकी स्लाइड लिखने के बाद। सो सर हम आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट में हमने अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर देख लिया, हमने अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर देख लिया, अब हम बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। जस्ट अ मोमेंट। नौ क्लास, वैसे तो ऑडिटर अपॉइंट हो गया है एक साथ 5 साल के लिए, बट किसी भी 2 एजीएम के बीच में ये लॉ जो अप्लीकेबल है वो किसी भी 2 एजीएम के बीच में, आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एजीएम में अगर उसे रिमूव करके नए बंदे को अपॉइंट कर रहे हो, दिस इज नॉट कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी कब आती है सर? जब किसी भी 2 एजीएम के बीच में ऑडिट रिपोर्ट देने के पहले ऑडिटर की डेथ हो गई, मर गया, अब क्या करोगे? डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, निकल गया, अब क्या करोगे? पैरालिसिस हो गया, सीए एक्ट के अंदर, ठीक है, वो इंसॉल्वेंट हो गया तो निकल गया। एज द केस में भी 2 एजीएम के बीच में बंदा तो चला गया, अगले एजीएम में तो हमको ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करना है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे क्लास? जब बंदा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज कैजुअल वैकेंसी, एंड कैजुअल वैकेंसी के केस में नया बंदा कैसे अपॉइंट होगा हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, सो रूल क्या है? सेक्शन देखो क्या, सेक्शन 139 सबसेक्शन 8, और सेक्शन याद करना भी मुश्किल नहीं है। क्यों? 139 इज डेडिकेटेड सेक्शन टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सबसेक्शन 1 सब्सिक्वेंट ऑडिटर अदर कंपनी, 2, 3, 4 रोटेशन जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, 5 सब्सिक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी, 6 फर्स्ट ऑडिटर अदर कंपनी, 7 फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। तो सर यहां पे दोनों कंपनी बात करते हैं, अदर कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। अदर कंपनी इज सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 क्लॉज 1, गवर्नमेंट कंपनी इज सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 क्लॉज 2। ओके, तो कैजुअल वैकेंसी के केस में वैकेंसी कौन फिल करता है, नया बंदा कौन अपॉइंट करता है, हम उसकी बात क्लास कर रहे हैं। ओके, सो रूल क्या है? अदर कंपनी में सर क्या रीजन मैटर करता है? यस, क्यों मैं बताऊंगा आगे। अगर किसी अदर रीजन से हुआ तो क्या होगा? अदर रीजन मतलब डीआईडी, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं डीआईडी, डांस इंडिया डांस। यस, DID अपना यहां पे होता है डेथ, आई से इनकैपेसिटी मतलब इंसॉल्वेंट हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया, ठीक है, तो, एंड तीसरा D इज डिस्क्वालिफिकेशन, डेथ, इनकैपेसिटी, डिस्क्वालिफिकेशन। ओके, सो रूल क्या है? किसी भी रीजन से अगर अदर रीजन से हुआ तो नया ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कब तक सर? मैंने अभी लेक्चर में आपको सिखाया था, BOD आया तो विद इन 30 डेज आ जाएगा, याद करना मुश्किल नहीं है यहाँ पे। ओके, सो किसी और रीजन से हुआ वैकेंसी तो नया ऑडिटर अपॉइंट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज। बट अगर रेजिग्नेशन से हुआ तो ऐसे केस में नया ऑडिटर अपॉइंट करेंगे शेयर होल्डर्स विद इन थ्री मंथ्स। सर ऐसा क्यों किया कि अदर रीजन से बीओडी का ऑप्शन दिया एंड रेजिग्नेशन में शेयर होल्डर्स का ऑप्शन दिया? पॉइंट सुनना क्लास में क्या बोल रहा हूं। सी ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है कि ऑडिटर तो अपॉइंट हो गया बट मैनेजमेंट उसका सपोर्ट नहीं कर रही, प्रॉपरली उसे काम नहीं करने दे रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो भी मांगता है बीओडी बोलते हैं नहीं मिलेगा। आप मुझे परचेस रजिस्टर्स दो, मुझे चेक करना है, नहीं मिलेगा। सेल्स रजिस्टर दो, चेक करना है, नहीं मिलेगा। वो हमारे साथ कॉपरेट नहीं करते हैं एंड थक हार के हम रिजाइन कर देते हैं। मुझे बताओ रिजाइन करने के बाद भी अगर ऑप्शन दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि तुम अपॉइंट करो, दिक्कत क्या हो सकती है? मैं उसकी बात कर रहा हूं। दिक्कत यह हो सकती है क्लास कि बीओडी क्या बोलेंगे, अच्छा एजीएम है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे, करने दो, ठीक है। शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट कर दिया ताकि इंडिपेंडेंस रहना चाहिए। अब जो बंदा आया, इज इट क्लियर, बीओडी ने उसको सपोर्ट नहीं किया, उसने बेचारे ने रिजाइन कर दिया। ऐसे केस में बीओडी अपना बंदा अपॉइंट कर देंगे। फिर तो हर साल बीओडी यही करेगा, शेयर होल्डर्स को अपॉइंट करने दो, अपना बंदा अपन लेके आएंगे उसको रिजाइन करवा के। इसीलिए बड़े ध्यान से इस पॉइंट को समझते हुए लॉ ने बोला कि वैकेंसी किस रीजन से आ रही है। अगर डेथ हो गया, इनकैपेसिटी हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, तो हमको समझता है कि फिर किसी की गलती नहीं है, बीओडी तुम अपॉइंट कर लो, वैकेंसी फिल कर लो, कहाँ अभी हम शेयर होल्डर्स को बुलाएंगे, कहाँ हम ईजीएम लेंगे। बट अगर रेजिग्नेशन से हुआ तो लॉ बोलता है किसको ऑप्शन दिया जाएगा, शेयर होल्डर्स को, एंड उन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा विद इन थ्री मंथ्स। ओके, याद रखना क्लास, ये भी फर्स्ट ऑडिटर समान ही है। फर्स्ट ऑडिटर में पहला ऑप्शन बीओडी को था और नहीं किया तो 90 डेज के अंदर शेयर होल्डर्स, तो 90 की जगह यहाँ रिप्लेस कर दिया किससे, 3 मंथ से। ऑलमोस्ट सिमिलर है, लॉ मेकर को भी लगना चाहिए ना कोई नया लॉ बनाया हमने, तो डेज की जगह मंथ्स कर दिया, बाकी वही चीज। ओके, तो वापस से कैजुअल वैकेंसी किस रीजन से आ रही है? अगर वो अदर रीजन से आ रही है, अदर रीजन मतलब सर, अदर रीजन मतलब DID मतलब डेथ, इनकैपेसिटी और डिस्क्वालिफिकेशन। देखो DID यानी डेथ, इनकैपेसिटी या डिस्क्वालिफिकेशन, इन रीजन से आया तो कौन करेगा सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे विद इन 30 डेज। बट अगर रेजिग्नेशन से आया तो शेयर होल्डर्स करेंगे विद इन 3 मंथ्स। अब इसका भी एक सब्स्टिट्यूट है कि पहले बीओडी अपॉइंट कर देंगे विद इन 30 डेज, रुको क्लास, एंड फिर जिसको अपॉइंट किया उसे रेटिफाई करेंगे शेयर होल्डर्स विद इन 3 मंथ्स। तो क्लास ये भी एक ही बात है कि अगर रेजिग्नेशन से भी हुआ तो बीओडी अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, बट बीओडी जिस पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं उसे अल्टीमेटली रेटिफाई कौन कर रहा है, शेयर होल्डर्स कर रहा है। इज इट क्लियर? तो फाइनल से किसका है, शेयर होल्डर्स का ही है ना, तो एक ही बात है। आप बोलो कि शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे विद इन 3 मंथ्स, या आप बोलो बीओडी अपॉइंट करेंगे बट जिसको अपॉइंट किया वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं वो शेयर होल्डर्स करेंगे विद इन 3 मंथ्स, ऐसा भी हो सकता है। इससे क्या होता है क्लास, 3 मंथ्स तक ऑल्टर अप नहीं होना सही नहीं है, तो बीओडी ने अपॉइंट कर दिया, जिसको अपॉइंट किया शेयर होल्डर्स को मान्य है तो उसको रहने देंगे, वरना किसी और को अपॉइंट करेंगे यानी रैटिफाई करेंगे। ओके, चलो सर गवर्नमेंट कंपनी में रीजन मैटर नहीं करता, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी में ऑल टुगेदर इंडिपेंडेंट पर्सन यानी CAG ही अपॉइंट करता है, तो यहां रीजन मैटर नहीं करता। यहां किसी भी रीजन से हो, पहला ऑप्शन है CAG को वो करेंगे विद इन 30 डेज फ्रॉम वैकेंसी। अगर CAG नहीं हो पाया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे विद इन 30 डेज। दो ही ऑप्शन दिया, इज इट क्लियर? यहां रीजन मैटर नहीं करता, एनी रीजन हो। अदर कंपनी में रीजन मैटर करता है सर, बट यहां रीजन मैटर नहीं करता। वापस से मैं बात कर रहा हूं, कैजुअल वैकेंसी मतलब बिटवीन एनी टू एजीएम्स, किसी भी दो एजीएम के बीच में किसी भी रीजन से ऑल्टर अगर ऑफिस छोड़ के जाता है, दिस लीड्स टू कैजुअल वैकेंसी। अब सर कैजुअल वैकेंसी फिल कैसे होगा, नया बंदा कैसे अपॉइंट होगा, इस पे बात करता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 8। सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 क्लॉज 1 बात करता है अदर कंपनी, क्लॉज 2 बात करता है गवर्नमेंट कंपनी। सर क्या अदर कंपनी में वैकेंसी का रीजन मैटर करता है? यस सर, अगर वो डीआईडी से हुआ तो नया ऑडिटर अपॉइंट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज, बट अगर ये किसी रेजिग्नेशन से हुआ तो नया ऑडिटर अपॉइंट करेंगे शेयर होल्डर्स विद इन 3 मंथ्स इन एजीएम। ओके, नेक्स्ट गवर्नमेंट कंपनी में सर रीजन मैटर नहीं करता। पहला ऑप्शन दिया सीएजी को विद इन 30 डेज, उससे नहीं हो पाया तो कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज। ओके, सो ये चार्ट में लिख दो। मेरे हिसाब से अपॉइंटमेंट के तीनों सिनारियो हमने कंप्लीट कर लिए हैं यहां तक। और क्लास में एक और पॉइंट भूल गया था, वो भी लिख लेते हैं। जब भी ऑडिटर रिजाइन करेगा 30 दिन के अंदर इंटीमेट करेगा 3 लोगों को। ये पूरा सेक्शन क्लास 3-3 के बारे में, ठीक है। 30 डेज 3 आ गया, 3 मंथ्स 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑडिटर इंटीमेट करेगा 30 दिन के अंदर, 3 फिर से आ गया। कितने लोगों को इंटीमेट करेगा? 3 लोगों को। नंबर 1 कंपनी, नंबर 2 आरओसी, एंड नंबर 3 सीएजी। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएजी को भी, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है तो सिर्फ 2 लोगों को, गवर्नमेंट कंपनी है तो 3 लोगों को। और फॉर्म नंबर भी कौन सा है सर? 3 ADT 3। अभी तक हमने 2 फॉर्म नंबर देख चुके हैं। ADT 1 देखा था हमने, जब भी कोई ऑडिटर अपॉइंट होगा कंपनी 15 दिन के अंदर इंटीमेट करेगी आरओसी को इन फॉर्म नंबर ADT 1। जब भी कोई ऑडिटर रिजाइन करेगा तो फॉर्म नंबर ADT 3, ठीक है, में 3 लोग को इंटीमेट कर देगा। ओके, कंपनी, आरओसी, एंड अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो साथ साथ सीएजी को। ओके, तो ये लिख लेना, पॉज करो और लिख लो, फिर आगे बढ़े। परफेक्ट, तो क्लास तीनों केसेस हो गए अपॉइंटमेंट के। नेक्स्ट इश्यू आता है रीअपॉइंटमेंट का। सर रीअपॉइंटमेंट कब होगा? जब अपॉइंटमेंट का टेन्यूअर कंप्लीट होगा। सर अपॉइंटमेंट का टेन्यूअर कब कंप्लीट होगा? गवर्नमेंट कंपनी में अगले एजीएम में, ठीक है, और नॉर्मल कंपनी में 1st AGM to 6th AGM टेन्यूअर था उसका, तो 6th AGM में रीअपॉइंटमेंट का इश्यू आएगा। तो क्वेश्चन में ये रेस कर रहा हूं, क्या 6वें AGM में उस बंदे को रीअपॉइंट कर सकते हैं या नहीं? ओके, आंसर क्या बोलता है? He is not eligible for reappointment if rotation is applicable and term has expired. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक काम करो, ये पॉइंट को आप छोड़ दो, डिलीट कर दो, अननेसेसरी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसा मुझे फील होता है अभी। ओके, सो हमारा रूल क्या है? सेम ऑडिटर हु वाज अपॉइंटेड अर्लियर कैन बी रीअपॉइंटेड एक्सेप्ट अनलेस, मतलब हम जो फॉलोइंग चीजें बोल रहे हैं वहां वो रीअपॉइंट नहीं होगा। वैसे बेसिक रूल क्या है? सेम बंदा जो पिछले एजीएम में अपॉइंट हुआ था, पिछले मतलब पिछले टर्म में अपॉइंट हुआ था, वो 6th AGM में भी रीअपॉइंट हो सकता है अनलेस। कहां रीअपॉइंट नहीं हो सकता? नंबर 1 वो डिस्क्वालीफाइड हो गया। तो डिस्क्वालीफाइड किस में हुआ? या तो सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में डिस्क्वालीफाइड हो गया तो उसे अपॉइंट नहीं कर सकते, या रोटेशन के कारण उसे अपॉइंट नहीं कर सकते। सर रोटेशन क्या है? वैसे तो हम आगे देखेंगे, बट जिन कंपनीज पे रोटेशन एप्लीकेबल है वहां एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी गई है कि आप इतने ही सालों तक ऑडिट कर सकते हो, बाद में आपको जाना पड़ेगा। तो जब जाने की बारी आएगी क्लास, उस समय क्या उसे रीअपॉइंट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। ओके, दिस इज रोटेशन। रोटेशन के रूल्स क्या है सर, डिटेल में हम आगे इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, तो सर कब कब वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता? नंबर 1 अगर वो डिस्क्वालीफाइड हो गया, नंबर 2 अगर ही इज अनविलिंग टू कंटिन्यू, खुद ही ने मना कर लिया भाई कि हमसे ना हो पाएगा, ठीक है, हम नहीं कर रहे, फिर से तुम किसी और को अपॉइंट कर लो। ओके, नंबर 3 अगर कंपनी हैज अपॉइंटेड समबडी एल्स इंस्टेड ऑफ हिम, क्वाइट लॉजिकली अगर कंपनी ने किसी और को अपॉइंट कर दिया तो ये रीअपॉइंट होगा क्या? नहीं होगा। हम देख रहे हैं क्लास कौन कौन से केसेस हैं जहां बंदा रीअपॉइंट नहीं होता। नंबर वन, वो डिस्क्वालीफाइड हो गया बिकॉज ऑफ सेक्शन 141(3) और 139(2), 3, 4, ठीक है। नंबर टू, ही इज अनविलिंग टू कंटिन्यू, उसने मना कर दिया, एक्सप्रेस हिज अनविलिंगनेस टू कंटिन्यू। और नंबर थ्री, कंपनी हैज अपॉइंटेड समबडी एल्स इंस्टेड ऑफ हिम, तो किसी और को अपॉइंट कर दिया इसलिए ये रीअपॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 139 सबसेक्शन 9। पहले के पॉइंट्स मत लिखना क्योंकि वो मैंने कवर कर दिया है फर्स्ट पॉइंट के अंदर। सो क्लास, अपॉइंटमेंट का लास्ट पॉइंट दैट इज ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट, जिस पे डील करता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 10। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, 139(1) सबसेक्वेंट ऑडिटर अदर कंपनी, 2, 3, 4 रोटेशन, 5 सबसेक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी 180 दिन के अंदर, 6 फर्स्ट ऑडिटर अदर कंपनी, 7 फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी, 8 कैजुअल वैकेंसी क्लॉज 1, क्लॉज 2, 9 हमने देखा रीअपॉइंटमेंट के बारे में, एंड 10 हम देख रहे क्लास ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटमेंट। सर क्या ऑडिटर ऑटोमेटिकली भी रीअपॉइंट हो सकता है? यस। रूल क्या है? अगर किसी एजीएम में इफ नो न्यू ऑडिटर इज अपॉइंटेड, कौन से एजीएम की बात कर रहे हैं जब रीअपॉइंट करने की बारी आ रही है, उस एजीएम में अगर कोई नया ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ, नंबर 1, एंड ऑडिटर कैन बी रीअपॉइंटेड, मतलब कौन सा ऑडिटर? रिटायरिंग ऑडिटर। सर रिटायरिंग ऑडिटर मतलब जिसका अभी टेन्योर कंप्लीट हो चुका है। तो किसी भी एजीएम में, ठीक है, जब रीअपॉइंटमेंट की बारी आ रही है, इफ नो न्यू ऑडिटर इज अपॉइंटेड, आपने किसी और को अपॉइंट नहीं किया, प्लस रिटायरिंग ऑडिटर कैन बी रीअपॉइंटेड, अगर रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट हो सकता है, ठीक है। अब कब रीअपॉइंट हो सकता है? इफ इज नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर 139। क्लास में फिर से एक बार ये सेक्शन रिवाइज कर दूं। मेरे हिसाब से शायद बैटरी चली गई थी तो इतना पार्ट हट गया होगा, और इतने पार्ट को निकालने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो मैं फिर से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ जहाँ से भी आपका अटका होगा। ओके, तो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट क्या बोलता है मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, शांति सुनना। अगर उस एजीएम में जहां रीअपॉइंट करने की बारी आ रही है, नंबर वन, आपने नए ऑडिटर को अपॉइंट नहीं किया, ठीक है, देखो लिखा फर्स्ट पॉइंट में ऊपर, इफ नो न्यू ऑडिटर इज अपॉइंटेड, आपने किसी नए बंदे को अपॉइंट नहीं किया। ओके, प्लस पुराना अगर रीअपॉइंट हो सकता है तो आपने नए बंदे को अपॉइंट किया नहीं, और पुराना रीअपॉइंट हो सकता है तो यस, ऑटोमेटिकली पुराना बंदा विल बी रीअपॉइंटेड। ठीक है, अब पुराना रीअपॉइंट हो सकता है मतलब वो सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 में डिस्क्वालीफाइड नहीं है। 139 में हमने देखा था कहाँ का डिस्क्वालीफाई होगा, उसने अगर अनविलिंगनेस बता दिया, डिस्क्वालीफाइड हो गया, या रोटेशन अप्लीकेबल हो गया, एज द केस में भी, तो कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। ओके, आई रिपीट, उस एजीएम में हम आ चुके हैं जहां पुराना बंदा का टाइम खत्म हो गया है, किसी नए को अपॉइंट करना है या रीअपॉइंट करने की बात हो रही है। तो एक तो आपको कोई और चाहिए तो किसी और को अपॉइंट कर दो या इसको रीअपॉइंट कर दो। अगर आपने किसी और बंदे को भी अपॉइंट नहीं किया और पुराना रीअपॉइंट हो सकता था, ऐसे केस में वो ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट हो जाएगा। ओके, अब मजेदार पॉइंट क्या है जो मैंने नोट में लिखवाया, नंबर वन, नो न्यू ऑडिटर इज अपॉइंटेड, अगर उस एजीएम में आपने किसी नए बंदे को अपॉइंट नहीं किया, प्लस रिटायरिंग ऑडिटर कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड, पुराना वाला भी रीअपॉइंट नहीं हो सकता। एक सेकंड सर, नया बंदे को आपने अपॉइंट किया नहीं, पुराना बंदा रीअपॉइंट हो नहीं सकता, अब क्या होगा सर, ऑडिटर तो है ही नहीं। दिस लीड्स टू कैजुअल वैकेंसी, एंड कैजुअल वैकेंसी विल बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज। सेकेंड रूल क्या है सर, कि जब बीओडी वैकेंसी फिल करता है तो जो भी बंदा आता है उसका टेन्योर हमेशा नेक्स्ट एजीएम तक होता है, नेक्स्ट एजीएम में शेयर होल्डर्स आ जाएंगे। ओके, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, अगर किसी एजीएम में नया बंदा अपॉइंट नहीं हुआ, पुराना रीअपॉइंट हो सकता है तो उसे ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटमेंट कर देंगे। सर इश्यू कब आएगा, जब नया बंदा अपॉइंट नहीं किया, पुराना रीअपॉइंट नहीं हो सकता, तो कोई भी नहीं बचा फिर मीटिंग में, एजीएम में कोई भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ। दिस लीड्स टू कैजुअल वैकेंसी टू बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज। ओके, चलो क्लास, आई गेस हमने अपॉइंटमेंट के सारे केसेस देख लिए। अब हम बात करते हैं क्लास किसकी, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। सर रोटेशन मतलब क्या होता है ये समझते हैं। तो क्लास आज के क्लास में जो लास्ट कंसेप्ट हम देखने वाले हैं, दैट इज रोटेशन ऑफ ऑडिटर। नाउ रोटेशन मतलब क्या होता है, आराम से समझना मैं क्या पॉइंट मेंशन कर रहा हूं। ओके, नाउ सी, रोटेशन ये कंसेप्ट पहले बार आया कंपनीज एक्ट 2013 में। उसके पहले सर क्या था, एक एजीएम में आप ऑडिटर को अपॉइंट करते, नेक्स्ट एजीएम में वो ऑडिट रिपोर्ट देता, फिर उसे रीअपॉइंट करते हैं, एजीएम टू एजीएम, नेक्स्ट एजीएम में ऑडिट रिपोर्ट दिया, फिर रीअपॉइंट करते हैं, फिर कंटिन्यू होता है एजीएम टू एजीएम, फिर नेक्स्ट एजीएम में उसे रीअपॉइंट करते हैं। ऐसे क्लास सालों सालों तक एक ही ऑडिटर कंपनी में चले जा रहा था। अब प्रॉब्लम क्या होता है क्लास, एक ही बंदा अगर ऑडिट कर रहा है तो सबसे बड़ा थ्रेट उसके इंडिपेंडेंस के लिए है फैमिलैरिटी थ्रेट। मतलब वो इतना फेमिलियर हो गया है सब लोगों से, कंपनी के डायरेक्टर्स से, कंपनी के दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, कि देयर इज अ चांस और स्कोप कि उसका इंडिपेंडेंस हर्ट हो जाए और वो मैनिपुलेट करना चालू कर दे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ में या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ में। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले हमने हर पर्सन के लिए एक मैक्सिमम लिमिट सेट किया कि इतने टाइम तक आप ऑडिट कर सकते हो। फिर हमने क्या बोला, इसके बाद इतने टाइम तक कूलिंग पीरियड रहेगा, मतलब आप उतने टाइम तक उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते, मतलब डिसाइडेड टाइम खत्म होने के बाद आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, उस कंपनी में उतने टाइम तक आप ऑडिट नहीं कर सकते। पॉइंट समझो क्लास, अगर उस कंपनी में वो उतने टाइम तक ऑडिट नहीं कर सकता, कूलिंग पीरियड एप्लीकेबल है, तो कंपनी को झक मार के और कोई ऑप्शन नहीं है, किसी नए बंदे को लेके आना पड़ेगा। देखो रोटेशन हो गया, अब वो नए बंदे का भी मैक्सिमम टाइम लिमिट सेट है, उसके बाद आपको पुराने वाले को या किसी नए को लेके आना पड़ेगा, यानी अल्टीमेटली टाइमली आपको ऑडिटर्स चेंज करते रहना पड़ेगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज रोटेशन ऑफ ऑडिटर। ओके, चलो तो सर रोटेशन हमने क्यों लेके आए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। यू कैन सी हिंडालको नाम की कंपनी है, इसमें सिंघी एंड कंपनी नाम का ऑडिटर 50 प्लस सालों से ऑडिट करते जा रहा था। फिर रिलायंस नाम की कंपनी में शाह चतुर्वेदी ऑडिटर है, 35 प्लस सालों से ऑडिट करते जा रहे थे। फिर एलएनटी में शार्प एंटनर ऑडिटर है, 30 प्लस ईयर्स से ऑडिट करते जा रहे थे। फिर ग्रासिम इंडिया में जीपी कपाडिया दिल्ली की फर्म है, 20 प्लस ईयर्स से ऑडिट कर रहे थे। और टाटा पावर्स, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स के ऑडिटर्स है डेलॉइड, वो वहाँ पे करीब 15 प्लस साल से ऑडिट कर रहे थे। मारुति सुजुकी यू ऑल नो कंपनी, PwC प्राइस वाटर कूपर हाउस उनका ऑडिट कर रहे थे 15 प्लस सालों से। तो आप देखो अगर इतने सालों से अगर सेम पर्सन ऑडिट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके इंडिपेंडेंस हर्ट हो सकता है। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने रोटेशन का रूल लाया। ओके, नाउ पॉइंट समझो क्लास। अब मैं आपको यह बता रहा हूं रोटेशन कहां एप्लीकेबल है। पहले आप ये समझो रोटेशन कहां एप्लीकेबल है। रोटेशन हर कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। इज इट क्लियर? रोटेशन हर कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। जहां रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है आप कितने बार भी उसे रीअपॉइंट करो हमें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो छोटी मोटी कंपनी से। बट जिन कंपनी से रोटेशन एप्लीकेबल है आपको रोटेशन के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो सर रोटेशन के रूल्स क्या है, किस पे एप्लीकेबल है? पब्लिक कंपनी में दो पार्ट में डिवाइड किया, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। अगर क्लास वो लिस्टेड कंपनी है तो रोटेशन इज ऑलवेज एप्लीकेबल। लिस्टेड कंपनी में आपको दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है, रोटेशन इज ऑलवेज एप्लीकेबल। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में ठीक है कुछ कंडीशंस दी हुई है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। आई रिपीट, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में जिन कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, और एक कंडीशन दी हुई है जिनकी पब्लिक बोरोइंग फ्रॉम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स या पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। देखो दो ऑप्शन दिए हुए, या तो आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर आपकी पब्लिक बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आपको रोटेशन एप्लीकेबल हो जाएगा। ये पब्लिक कंपनी के लिए जो 10 करोड़ या उससे ज्यादा का रूल है, प्राइवेट कंपनी के लिए ये 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और उसके लिए भी ये और वाली सब्स्टिट्यूट कंडीशन एप्लीकेबल है। तो ये सब्स्टिट्यूट कंडीशन जो है और वाली, ये पब्लिक बोरिंग वाली, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है क्लास। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल है एंड प्राइवेट कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, ठीक है। तो वापस से पब्लिक कंपनी लिस्टेड है तो रोटेशन कंपल्सरीली एप्लीकेबल है, अनलिस्टेड है तो दो में से एक कंडीशन फुलफिल होती है तो आप पे रोटेशन एप्लीकेबल है। सर प्राइवेट कंपनी है तो 10 करोड़ की जगह 50 करोड़ या उसके लिए भी और में सेकंड ऑप्शन वाला रूल एप्लीकेबल है। ओके, चलो ये लिख लो। तो हम कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको रोटेशन एग्जैक्टली सिखाता हूं। हाँ क्लास, चलो तो प्लीज बहुत ध्यान से ये सारे पॉइंट्स को सुनना। मैं फिर से बोल रहा हूँ जहाँ रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है वहाँ आप इसे कितने बार भी रीअपॉइंट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जिन कंपनीज पे रोटेशन एप्लीकेबल है हम चेक करेंगे नंबर वन, उसका ऑडिट अभी तक कौन कर रहा था। अगर उसका ऑडिट सीए प्रोपराइटर फर्म कर रहा था तो मैक्सिमम टर्म इज वन टर्म, वो एक टर्म तक ही मैक्सिमम ऑडिट कर सकता है। एंड वन टर्म इज इक्वल टू 5 ईयर्स, यानी एक टर्म तक ही उसे ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? सीए प्रोपराइटर फर्म। अगर सीए पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है तो मैक्सिमम 2 टर्म तक ऑडिट कर सकती है। मतलब एक टर्म कंप्लीट होने के बाद उसे रीअपॉइंट कर सकते हैं और एक टर्म के लिए। ओके, 2 टर्म हो गए खत्म। तो मैक्सिमम टर्म कितना है जिन पे रोटेशन एप्लीकेबल है? ठीक है, रूल इज अगर सीए प्रोपराइटर फर्म ऑडिट कर रही है तो मैक्सिमम टर्म इज 1 टर्म। अगर सीए पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी ऑडिट कर रही है तो मैक्सिमम टर्म इज 2 टर्म। जैसे ही क्लास आपका टर्म खत्म हो जाएगा, कूलिंग पीरियड शुरू हो जाएगा, दोनों के लिए 5 साल। तो जैसे मेरा फर्स्ट एग्जाम तो 6 एग्जाम कंप्लीट हुआ, सपोज मैं सीए प्रोपराइटर फर्म हूं, अब मेरा कूलिंग पीरियड शुरू हो गया 5 साल तक। ये 5 साल तक मैं सेम फर्म में ऑडिट नहीं कर सकता, सेम कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकता। ओके, कूलिंग पीरियड इज 5 ईयर्स, यानी कंपनी को किसी और बंदे को अपॉइंट करना पड़ेगा। ओके, सेम बेस अगर मैं पार्टनरशिप फर्म हूं, सीए या एलएलपी हूं, ऐसे केस में एक टर्म कंप्लीट हुआ, क्या मैं रीअपॉइंट हो सकता हूं? यस सर, बिकॉज 2 टर्म मैक्सिमम लिमिट है। मैं फिर से रीअपॉइंट होऊंगा 6th AGM टू 11th AGM। 11th AGM में आके क्या मुझे रीअपॉइंट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्यों? 2 टर्म कंप्लीट हो गए, मेरा कूलिंग पीरियड शुरू हो जाएगा कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। रूल इज इन दिस कूलिंग पीरियड कंपनी, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, कैन नॉट अपॉइंट नंबर वन सेम फर्म। सेम फर्म को कंपनी अपॉइंट नहीं कर सकती, ठीक है, वो कूलिंग पीरियड के अंदर। नंबर टू, अदर फर्म जिसमें एक भी पार्टनर कॉमन है, मतलब आउटगोइंग फर्म से इनकमिंग फर्म में कोई भी पार्टनर अगर कॉमन है तो वो नए इनकमिंग फर्म को भी आप अपॉइंट नहीं कर सकते। तो कूलिंग पीरियड के 5 सालों में नंबर वन, आप सेम फर्म को तो अपॉइंट कर ही नहीं सकते क्योंकि उसका कूलिंग पीरियड शुरू हो गया है। नंबर टू, ऐसी कोई और भी फर्म जिसमें इनमें से कोई पार्टनर कॉमन है उसे अपॉइंट नहीं कर सकते। नंबर थ्री, ऐसी कोई भी फर्म जो इनके सेम नेटवर्क में है, सेम ब्रांड नेम के अंदर काम करते हैं, सेम ट्रेड नेम के अंदर काम करते हैं, या इनका कॉमन कंट्रोल है, मतलब ओनर्स दोनों फर्म के सेम है, ऐसे केस में इनको भी आप अपॉइंट नहीं कर सकते। आई रिपीट, अगर सीए प्रोपराइटर फर्म ऑडिट कर रहा है, मैक्सिमम टर्म 5 ईयर्स, फिर कूलिंग ईयर्स 5 ईयर्स। इज इट क्लियर? 5 साल के बाद क्या उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं सर? यस, कूलिंग पीरियड खत्म होने के बाद उन्हें फिर से अपॉइंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कूलिंग पीरियड 5 साल का आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, फिर अगर पार्टनरशिप फर्म में एलएलपी ऑडिट कर रही है तो मैक्सिमम टर्म इज 2 टर्म। 2 टर्म खत्म होने के बाद 5 साल का कूलिंग पीरियड शुरू हो जाएगा उस कंपनी में। इस कूलिंग पीरियड के दौरान नंबर वन, आप सेम फर्म को तो अपॉइंट कर ही नहीं सकते। नंबर टू, ऐसी दूसरी फर्म जिसमें इनमें से, यानी आउटगोइंग में से कोई तो भी पार्टनर कॉमन है, उनको भी अपॉइंट नहीं कर सकते। नंबर थ्री, सेम नेटवर्क वाली फर्म से दोनों आउटगोइंग एंड इनकमिंग, या सेम ब्रांड नेम के अंदर काम करते हैं, या सेम ट्रेड नेम के अंदर काम करते हैं, या दोनों के ओनर सेम है, इनको भी अपॉइंट नहीं कर सकते। तो सर, हमारी यहाँ पर पर्पस क्या है इस लॉ को निकालने का, कि लॉ को लगाने का, कि नया बंदा आए फर्म में और वो ऑडिट करे, ना कि पुराना या उनसे एसोसिएटेड लोग ही काम करें। इससे ऑडिटर की इंडिपेंडेंस और ज्यादा बरकरार रहेगी क्लास। ओके, लास्ट पॉइंट नोट, इन सेम ऑडिटिंग फर्म मेंबर्स कैन डिसाइड टू रोटेट पार्टनर्स एंड टर्म्स। मतलब क्या? सपोज मैं उस कंपनी में 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ, अब हम 3 पार्टनर्स हैं, मेरी फर्म को ऑडिट मिला, हम 3 पार्टनर्स हैं, तो एंगेजमेंट पार्टनर जो है वो आपस में इन 5 साल तक रोटेट कर सकते हैं। जैसे हमने ऑडिट लिया मिस्टर ए के नाम से, मिस्टर ए की कैपेसिटी में, और 3 पार्टनर है ए, बी और सी, तो 2 साल के बाद वो बी भी चला सकता है अपने नाम से, या सी भी चला सकता है अपने नाम से। मतलब उन 5 साल के दौरान आप आपस में अंदर के अंदर रोटेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 5 साल कंप्लीट होने के बाद या पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी में 10 साल कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, आपको कूलिंग पीरियड लग जाएगा, पूरी की पूरी फर्म ही नहीं अपॉइंट हो सकती। ओके, दिस वाज रोटेशन ऑफ ऑडिटर। तो आज के इस लेक्चर में क्लास हमने अपॉइंटमेंट के सारे सिनेरियो देख लिए, रोटेशन के सारे सिनेरियो देख लिए। एक और पार्ट बचा हुआ है जो मैं अगले क्लास में कंप्लीट करूंगा, जिसमें हम रिमूवल, रेजिग्नेशन एंड पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, रेम्युनरेशन देखते हुए पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।